तो जहां भारतीय जनता पार्टी ने 130 वादे किए हैं, वहीं अखिलेश ने 22 में जीत का परचम लहराने के लिए 22 वचन लिए हैं। अखिलेश यादव के वचन पत्र और भाजपा के संकल्प पत्र में कई समानताएं भी हैं, क्योंकि जहां भाजपा का जोर महिला वोटर्स को साधने पर है, वहीं अखिलेश ने सरकारी नौकरी में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का दाव चल दिया। इसके साथ ही फ्री बिजली और सिंचाई जैसे वादे भी हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या अखिलेश के ये वचन उन्हें यूपी में जीत दिला पाएंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा के संकल्प के सामने अखिलेश का वचन, 22 की जंग जीतने के लिए अखिलेश ने लिए 22 वचन। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग फतेह करने के लिए जहां राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं मैनिफेस्टो के जरिए जनता को रिझाने की कोशिश की जा रही है। मंगलवार का दिन यूपी की सियासत में वादों के नाम रहा, जहां भाजपा ने 130 वादों का संकल्प पत्र जारी किया, तो जवाब में अखिलेश यादव ने सूबे की जनता को साक्षी मानकर 22 वचन लिए। अखिलेश यादव ने जो वचन लिए हैं, उनमें सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा है, लड़कियों को केजी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की मुफ्त शिक्षा का वादा है, 12वीं पास छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा, बीपीएल परिवार को हर साल 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे और दोपहिया वाहन चालकों को हर महीने 1 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। इसके अलावा ऑटो चालकों को हर महीने 3 लीटर पेट्रोल और 6 किलो CNG दी जाएगी। इसके अलावा एक बड़ा वादा 300 यूनिट फ्री बिजली का भी है। सिंचाई के लिए भी मुफ्त बिजली दी जाएगी। किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। सभी फसलों पर MSP का वादा हुआ है और 15 दिन में गन्ना भुगतान की बात खुद अखिलेश यादव ने कही है। अखिलेश ने कहा कि 2025 तक किसानों को कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। सीमांत किसानों को 2 बोरी DAP, 5 बोरी यूरिया दिया जाएगा। आंदोलन में जिनकी जान गई, उनके परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद होगी और समाजवादी कैंटीन खोली जाएगी।